हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और अब शुरू हो गई है गर्मियाँ। गर्मियों में टैनिंग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और फेस पर सबसे इजीली और सबसे ज़्यादा मोटी लेयर स्किन टैनिंग की होती है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो जो सन की यूवी रेज होती हैं इसको ईजीली टैन करके जाती हैं। स्किन की टैन रिमूविंग के लिए मैं बनाने वाली हूँ एक ब्लीच, होममेड ब्लीच, जिसमें मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल एंड कुकुम्बर, मैंने ग्रेट कर लिया है, एंड लेमन। अब मैं इसको ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी प्यूरी बना ली है, इस तरह से ये रेडी हो गया है। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये लेमन, बचा हुआ लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लगे, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके फेस पर नहीं टिक पा रहा, तो हल्का सा आप इसमें बेसन डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। ये इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने ओरिजिनल लीव का यूज़ किया है। ओरिजिनल लीव जो होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, अकॉर्डिंग टू हम जो मार्केट से जेल लेके आते हैं बना हुआ, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और जल्दी टैनिंग को रिमूव करती है। अगर आपको ये लग रहा है या आपके फेस पर नहीं टिक रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें ग्राम फ्लोर बेसन ऐड करके लगा सकते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा ग्राम फ्लोर लिया है क्योंकि उसमें ओरिजिनल लीव थी तो वो थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था। अगर इसको आप पैक बना के लगाना चाहते हैं तो 15 मिनट पैक बना के लगा के रखें। अगर आप इसकी मसाज करना चाहते हैं तो मसाज के लिए आप इसको इस तरह से, इसका पूरा नहीं लगाते, इसको आप बच्चों को फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें ग्राम फ्लोर मिक्स करके मत रखिए, आप इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल, कुकुम्बर एंड लेमन मिक्स करके रख सकते हो और नेक्स्ट डे भी आपका ये काम आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए, मैं तो थोड़े बालों को पीछे कर लेती हूँ इस तरह से, और अब इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से थोड़ा सा मसाज करें अपने हाथों में, आराम से लें और इस तरह से मिक्स करके हल्का सा मसाज करें पूरे फेस पे आप करें इस तरह से। ओरिजिनल लीफ का यही फ़ायदा होता है क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। 2-3 दिन में आपकी टैनिंग हल्की पड़ने लगेगी। अगर हल्की है तो 2-3 दिन में रिमूव हो जाएगी। अगर ज़्यादा थिक लेयर है टैनिंग की, आप कहीं बाहर गए हैं घूमने और उसके बाद घूमने के बाद जब हम आते हैं तो टैनिंग की एक थिक लेयर हो जाती है जो लॉन्ग टाइम के बाद जाती है। अगर आपकी टैनिंग ज़्यादा है तो आपकी 1 वीक में देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। अगर हल्की है तो 1-2 दिन में फ़र्क आ जाएगा, इंस्टेंट टैनिंग में फ़र्क नहीं आता है। तो इस तरह से आप अच्छे से 15 मिनट इसकी मसाज करें, और अगर आप इसको ब्लीच बना के इसका पैक बना के लगाना चाहते हैं तो भी आप 15 मिनट पर लगाएं और उसके बाद वॉश कर लें फेस को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 15 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर लिया और हल्की सी फ्रेशनेस और ग्लो भी लेके आया आपके चेहरे पर। ये टैनिंग को तो रिमूव करेगा और आपका फेस एकदम ग्लोई बनेगा। और खीरे का एक और अच्छा काम होता है, जब आप सो के उठते हैं या किसी कारण से आप नहीं सो पाते हैं पूरी तरह से, तो आप देखते हैं कि यहाँ की साइड थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। अगर उसको कट करके आप ग्रेट करके रखें या ग्रेट कट करके रखें तो आपकी स्वेलिंग को भी हल्का करने में हेल्प करता है। ये थी आज की टिप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।